नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के इस YouTube चैनल के संगीत की कक्षा 6, 7 और 8 की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हम ये पढ़ चुके हैं कि संगीत क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, नाद क्या होता है, उससे कैसे स्वर बनते हैं और कितने प्रकार के स्वर होते हैं। आज हम जानेंगे कि सप्तक क्या होता है। हम सब जानते हैं कि संगीत में जो ध्वनि नियमित हो, यानी लगातार हो, मधुर हो और स्पष्ट हो और उसे संगीत में प्रयोग किया जा सके, ऐसी आवाज़ को नाद कहते हैं। संगीत विद्वानों ने ऐसी 22 आवाज़ों को चुना है और उन्हें श्रुति का नाम दिया है। इन्हीं 22 श्रुतियों में से 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर निकाले गए हैं, जिन्हें हमने सारे गामा पाधानी शुद्ध और रे ग धानी कोमल और मा तीव्र के रूप में जाना है। आज हम जानेंगे कि सप्तक क्या होता है। क्रम के अनुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। एक सप्तक में सारे गामा पाधानी ये 7 स्वर आते हैं। इसमें जब हम 5 विकृत स्वर को जोड़ देते हैं तो एक सप्तक में शुद्ध और विकृत मिलाकर यानी 7 + 5 यानी 12 स्वर हो जाते हैं। संगीत में ध्वनि की ऊंचाई और नीचाई के गुण के आधार पर नाद के 3 स्थान माने गए हैं, यानी नाद की 3 जगह मानी गई हैं, जिन्हें मंद्र, मध्य और तार कहते हैं। इन्हीं 3 स्थान के अंतर को या भेदों को नाद कहते हैं। हर नाद स्थान एक सप्तक होता है। तो एक सप्तक में सा रे गा मा पा धा नी ये 7 स्वर आते हैं, और जब इनमें 5 विकृत स्वरों को जोड़ दिया जाता है तो एक सप्तक में शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं।